बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमारे किचन में कंडेंस्ड मिल्क बन रहा है जो कि बहुत ही आसान और मज़ेदार रेसिपी है। आज की रेसिपी के बाद आप लोग घर में बहुत ही आसान तरीके से कंडेंस्ड मिल्क बना सकेंगे। कंडेंस्ड मिल्क की रेसिपी मैं आप लोगों को विदाउट मिल्क पाउडर के दे रही हूँ। चलें बढ़ते हैं आज की रेसिपी की जानिब। सबसे पहले हमने यहाँ पर एक देचकी ली है, उसे हम हाई फ्लेम पर रख देंगे। उसमें 1 किलो दूध डाल देंगे। 1 किलो दूध डल गया, अभी हम इसका बॉयल होने तक का वेट करेंगे। इसे एक बॉयल आ जाए उसके बाद मैं आपको दूध में बॉयल आ चुका है। अब हम इसके अंदर चीनी डालेंगे। चीनी हमने कितनी डालनी है ये भी देख लें आप लोग। एक छोटी प्याली भर के है और ये तकरीबन 10 चम्मच हैं खाने वाले। जो हम आम घर में खाने वाले चम्मच यूज़ कर रहे होते हैं ये वही खाने वाला चम्मच है, और ये 10 चम्मच भर के चीनी है। 1 किलो दूध के अंदर खाने वाले 10 चम्मच चीनी इनफ है, तो बाकी फिर भी मज़ीद आप मीठा चेक कर लें खाने में, सॉरी दूध के अंदर। खैर उसके बाद जब एक बॉयल आ जाए चीनी डाल दें, उसके बाद हमने जो फ्लेम है बिल्कुल लो मीडियम कर देना है, क्योंकि इसके बाद हमारा प्रोसीजर स्टार्ट हो चुका है कंडेंस्ड मिल्क का। दोस्तों अब हमने यहाँ पे इंतज़ार करना है कि जो हमने 1 किलो दूध लिया था वो तकरीबन पक कर 1.5 कप रह जाए, तो यहाँ पे हम इंतज़ार करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हों तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें, अच्छा सा कमेंट किया करें, और फैमिली के साथ दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर कर दिया करें। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से राइट साइड पे रेड कलर के बटन पे क्लिक करें और बेल आइकन को दबाएं। इससे क्या होगा कि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। सब्सक्राइब करना आपका ये अपनापन होता है, हमारे लिए आपकी मोहब्बत होती है, चाहत होती है, एक हमें अच्छा महसूस होता है। आप ये समझ लें कि आपकी तरफ से हमें ये इनाम मिलता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, आप ये बिल्कुल अब गाढ़ा होना शुरू हो चुका है और इसका कलर भी चेंज हो रहा है दूध का। और यहाँ पे एक बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि जब इस तरह की कंडीशन आ जाए तो आपने चम्मच हिलाते रहना है, अंदर मुसलसल चम्मच हिलाते रहना है, क्योंकि ये नीचे लग सकता है। तो अब ऐसे ही हम इसके अंदर चम्मच हिलाते रहेंगे। अभी थोड़ा सा पतला है, इसे और गाढ़ा करेंगे और चम्मच ऐसे ही कंटिन्यू हिलाते रहेंगे। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी पसंद की रेसिपी ट्राई करें तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताया करें, हम ज़रूर ट्राई करेंगे आपकी रेसिपी को। दोस्तों कंडेंस्ड मिल्क बिल्कुल रेडी है, अब हम फ्लेम बंद कर देंगे और इसे किसी बर्तन में निकाल लेंगे। दोस्तों इसका इस्तेमाल खीर के अंदर, केक्स के अंदर और आइसक्रीम के अंदर होता है। दोस्तों मैंने इसे एक बाउल के अंदर निकाल लिया, ये आप देख सकते हैं पहले से थिक हो गया, ठंडा होने के बाद ये थिक हो जाता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। लाइक कर दें, शेयर करें और मिलते हैं एक मज़ेदार और न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।